दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 70 प्लस नियॉन कलर टोन प्रीसेट। अब प्रीसेट को यूज करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देना, व्हाट आर नियॉन कलर्स? चलो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज द ब्राइट टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स, जैसे ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू एंड पर्पल। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर क्या है? प्राइमरी कलर मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसे कि हम जानते हैं आरजीबी के नाम से, और सेकेंडरी कलर जो दो कलर को साथ में जोड़ने से बनता है। और कौन बनाता है भाई? आरजीबी बनाता है, और यही जो कलर है वो हमें नियॉन टाइप का फील देती है। और आज की यही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले 70 प्लस लाइटरूम के नियॉन कलर टोन के प्रीसेट, और इस पैक के अंदर काफ़ी बेस्ट तरीके से मैंने आपको प्रीसेट प्रोवाइड करी है। और मैं आपको बोलूँगा कि यार इस वीडियो को जो है फुल वॉच कर लेना, बिकॉज वीडियो के अंदर आपको जो है तीन भाग में पासवर्ड देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के ऊपर नज़र बनाए रखना और वीडियो को लाइक भी कर देना यार पसंद आती है तो। और सुप्रभाष्टी का मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले ना ओपन कर लेना है लाइट रूम एप्लीकेशन को, और यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एक्सएमवी प्रीसेट दिया है। तो मैंने सोचा कि यार देखो आज मैं साइबर पंक नियॉन प्रीसेट दे रहा हूँ तो उसको डीएनजी फॉर्मेट में देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। मतलब आसानी तो नहीं होगी यार, उससे भी टफ होगा, लेकिन डीएनजी प्रीसेट है ना काफ़ी अच्छे होते हैं एक्सएमवी से, ये मुझे नहीं पता बहुत से लोग बोलते हैं ओके, बट मुझे एक्सएमवी प्रीसेट ही ज़्यादा पसंद है, इसके लिए मैं एक्सएमवी प्रीसेट ही आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके यहाँ पर थे जिसको मुझे एडिट करनी है ना, अभी मैं दो फोटो के ऊपर मैं साइबर पंक जो इफेक्ट है उसको अप्लाई करके आपको बताऊँगा, अभी उसको देख लेना ध्यान से। पहले मैं आपको यहाँ पर ऐड फोटो करना है यहाँ पर, और जितने भी जो प्रीसेट उसको ऐड करना है यहाँ पर रॉ फॉर्मेट में मैं सिलेक्ट करके रखी है, तो यहाँ पर इस तरीके से था कुछ है, यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पर मैं जेपीजीज और वीडियोज़ को हटा दूंगा और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, जैसे साइबर पंक नियॉन प्रीसेट आ चुका है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। देन मैं यहाँ पर से सेलेक्ट ऑल करता है इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट ऑल कर दूंगा लाइक दिस। यहाँ पर 20 प्रीसेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने प्रीसेट को जो एक्सेप्ट कर रखा था अपने जेड अचीवर के अंदर, और मैं यहाँ पर से ऐड कर रहा हूँ। ओके तो ये कुछ सेकंड्स लेगा ऐड होने के लिए, तो फिलहाल हम यहाँ पर वेट करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंपोर्ट हो रहा है, दो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं, तो हम लोग बैक जाके फिर वापस आते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको प्रीसेट। ओके काफ़ी बेस्ट प्रीसेट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके अब मैं यहाँ पर इसका इफेक्ट बता दूंगा आपको, इसको देख लेना, उसके बाद आराम से इस प्रीसेट को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना। ओके और यहाँ पर मैं कॉपी सेटिंग कर लूँगा इसकी प्रीसेट की, और यहाँ पर मैं फोटो को भी पड़ जाऊँगा, ये देखिए नॉर्मल फोटो है, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि एडिटेड है, लेकिन ये थोड़ा बहुत एडिटेड ऑलरेडी है, शायद AI जनरेटेड फोटो है, बट इसके ऊपर मैं साइबर पंक प्रीसेट अप्लाई करके आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे पास फोटोज़ ही नहीं है यार साइबर पंक के ऊपर जिसके ऊपर मैं आपको अप्लाई करके बताऊँ प्रीसेट। ओके तो मैंने बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद भी मुझे ढंग के फ़ोटोज़ नहीं मिले, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ उसके ऊपर। और यहाँ पर जैसे बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रीसेट जो हमारा वर्क कर रहा है। आप बोलोगे कि यार हमारे फ़ोटो में तो इस तरीके से इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये फोटो ऑलरेडी अच्छा लग रहा है देखने में, और हमने अप्लाई किया तो और अच्छा लग रहा है देखने को, तो देखो आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से आप इंब्रेंस को, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस वगैरह को थोड़ा हल्का फुल्का बढ़ा सकते हो लाइक दिस। ओके तो इससे आपकी फ़ोटो जो है काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेंगी। ओके अब मैं इस फोटो को ऊपर अप्लाई करके बता देता हूँ, देखो ठीक है, इस वाले फोटो को ऊपर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क है बिफोर आफ्टर। ओके अब इसमें क्या कमियाँ है देखो मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं ये जो नियॉन साइबर पंक प्रीसेट है, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी वो चमकता है, देखो लाइट इफेक्ट जहाँ पर है फोटो में वो चमकना चाहिए हर जगह पे, ठीक है, मतलब ग्लो करना चाहिए वो सब, तो आपको ग्लो करने के लिए करना क्या होगा, देखो यार देखो जो ऑलरेडी ग्लो कर रहा है उसको आपको हाईलाइट को फुल कर देना है, और वाइटनेस को भी फुल कर देना है, और कॉन्ट्रास्ट को हल्का बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कुछ। ओके अब यहाँ पर मैं जाऊँगा टेम्परेचर ऑप्शन पे, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा HSL पर, और यहाँ पर मैं इसको हाई पे रखूँगा, और जो ब्लू है इसको भी हाई पे रखूँगा, ताकि बैकग्राउंड भी देख सकते हो, ऊपर ये देख सकते हो और ये येलो वाला देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको फुल कर दिया हूँ। ओके ताकि एक बेस्ट इफेक्ट लगे, ग्लोइंग इफेक्ट आए फोटो के ऊपर। और यहाँ पर जैसे हमारा साइबर पंक फोटो जो है रेडी हो चुका है, और काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फोटो कितना प्यारा लग रहा है। ओके अब मैं अब तक आपको एक ही प्रीसेट बताया, देखो ऑलरेडी बहुत सारा टाइम चला भी गया। ओके मैं आपको दूसरा प्रीसेट अप्लाई करके बता देता हूँ फोटो के ऊपर, और ये देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट लग रहा है देखने को, सभी बेस्ट ही है, आप देख लो। मुझे किसी ने भाई कॉमेंट किया था इस वजह से मैं साइबर पंक प्रीसेट आपको दे रहा हूँ,
ओके यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के ऊपर काफ़ी बेस्ट लुक आ रहा है और इस फोटो के ऊपर आप लोगों को बता देते हो पेस्ट करके बिफोर आफ्टर। ओके आप लोगों और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको बताते तो मैं यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसमें जाना है आपको क्लैरिटी को कम रखना हमेशा और टेम्परेचर को कम रखना ताकि फोटो में अगर क्लैरिटी रहेगी ना तो डिटेल आ जाएगी। देखो बात मेरी समझो, हमको जो नियॉन साइबरपंक प्रीसेट होते हैं उसमें डिटेल नहीं चाहिए, जहाँ पर हमको ग्लो करना है ना उस जगह हमको डिटेल नहीं, अगर उस जगह पे डिटेल आ जाएगी ना तो पीछे जो भी है उसके, अभी यहाँ पर देखो ये लैंप है ठीक है, अब इसको ऊपर देख सकते हैं ऐसे समझो फॉर एग्जांपल इसको ऊपर ऐसा लाइन आ गया है ठीक है, अब लाइन के ऊपर हम जो ग्लो इफेक्ट दिए तो लाइन चुप जाएगा हो गया, अब हम उसको टेक्स्चर को क्लियरिटी बढ़ा देंगे तो लाइन दिखने लगेगा, मेरी बात समझो, तो इसके लिए हम जो है इस तरीके से कम कर देंगे तो लाइन चुप जाएगा। ओके तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना, थोड़ी बहुत आपको अपना दिमाग लगाना है और गेम को खेलना है ना, काफ़ी अमेजिंग ट्रिक। और भी प्रीसेट आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर, लास्ट प्रीसेट आपको बता देता हूँ, ये वाली प्रीसेट आप लोग देख ही सकते हैं, मैं कॉपी सेटिंग करूँगा देन राइट पे जाके इस वाली फोटो के ऊपर पेश कर देता हूँ अभी यहाँ पर जाके पेस्ट सेटिंग्स, और देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट लग रहा है फोटो हमारा बिफोर एंड आफ्टर, काफ़ी बेस्ट तरीके से एडिट हो रहा है हमारा फोटो, आपने देख लिया अभी इस फोटो के ऊपर आप लोग अप्लाई करके बता देता हूँ। ये भी देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट तरीके से प्रीसेट जो हमारा वर्क कर रहा है, बस हमको इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट जो है कम करना है या फिर बढ़ाना आपको ऊपर है, देखो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी लाइक दिस, इस तरीके से आप लोग देख ही सकते हैं। ओके आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देंगे या फिर इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो फोटो हमारा बेस्ट लगेगा। अब यहाँ पर मिड टोन्स जो है इसको भी थोड़ा हल्का सा हम लोग यहाँ वहाँ घुमाएंगे ना तो देख लेना काफ़ी बेस्ट लगेगा देखने को हमारा, और ये जो हाईलाइट है हाईलाइट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे, और जो ओवरऑल फ़ोटो है ना इस तरीके से कुछ हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे ठीक है। अब इसको थोड़ा सा येलो की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं चाहे तो, यहाँ पर देख सकते हैं और काफ़ी बेस्ट लग रहा है देख सकते है ना, थोड़ा सा इसको भी यहाँ कर लेंगे तो मस्त लगेगा, अब देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट लग रहा है फोटो हमारा, और ल्यूमिनस को भी बढ़ा सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ब्लेंडिंग मोड को भी ऐसे कुछ तरीके से है ना, काफ़ी बेस्ट लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फोटो में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। और देखो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है मुझे पता है, लेकिन यार बताना भी ज़रूरी है मुझे, तो आई होप आपको जो वीडियो पसंद होगा और प्रीसेट भी पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया कुछ भी थोड़ा सा भी यार तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना आपके दिल में क्या है, प्यारा होगा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार बोल के जाओ मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ख़राब लगा, जो भी बोलना है भाई बोल के जाओ, लेकिन यार कम से कम बोल कर जाओ यार ताकि मैं आपको देख सकूं है ना। तो उम्मीद करता हूं आप जो पासवर्ड मिल गया, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।